आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। मैं अय्यूब खान, हैदराबाद पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। आज हमारे शर्मिला मैडम यहाँ पर ऐसो बीबी के अलावे की ऐसो विजिट करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने गए साल भी यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर हर एक के लिए उन्होंने ऐसो राजशेखर रेड्डी साहब भी हर एक को एक नज़र देखे थे। किसी को भी ऐसो एसटी बीसी मेनार्टी सिख हिंदू मुस्लिम हर एक को एक नज़र देखे। आज उनकी बेटी भी उसी नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आज यहाँ पर ऐसो बीबी के अलावे के अंदर आके ऐसो नो यहाँ पर ज़्यारत के लिए आ रहे हैं। और मैं ऐसो आवाम से ऐसो गुजारिश ये करता हूँ कि अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ये पार्टी के तरफ से हर एक का मुस्तकबिल बनेगा। आगे फ्यूचर के लिए भी ऐसो ये पार्टी साथ देंगी। और मैं सबका और मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं और सबको कहता हूँ मुहर्रम की ज़्यारत के लिए आप लोग भी ऐसो मैडम का ऐसो साथ दीजिए। इंशाल्लाह ये पार्टी कायम होंगी तो हर एक के ऐसो मसले मसाइल हल होंगे। अल्लाह बीबी के आलम यहाँ आ सके हम बहुत खुशी की बात है। 7 से 10 तारीख मुहर्रम के ये तारीख सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि इन्हीं तारीखों में इंसानियत की परचम लिए इमाम अली और बीबी फातिमा के बेटे ने, इमाम हुसैन ने, अपनी और अपनी घरवालों की कुर्बानी दी। और इसी कुर्बानी की वजह से इतने लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। और इसी कुर्बानी की याद की वजह से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है और इंसानियत जिंदा है। हाय हुसैन, हाय हुसैन। मुझे पावनी का एक कचरा जो मिल जाए, yeah।
कचरा जो मिल जाए पापा पानी का एक कचरा जो मिल जाए का एक तेरा जो मिल जाएंगे।